यूपी के जनपद जौनपुर में लखनपुर गांव के हिसामपुर में चर्चित सम्राट अशोक भवन का दीपदान उत्सव के दिन प्रियदर्शी अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राधेश्याम मौर्य के हाथों शिलान्यास संपन्न हुआ। भवन के नींव की पहली ईंट पड़ते ही लोग खुशी से नाचने लगे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता पंकज कुमार मौर्य से प्रियदर्शी अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मौर्य और अध्यक्ष राधेश्याम मौर्य से वार्ता की। आप देख रहे हैं दस्तक 24 चैनल। आज हम आए हैं ग्राम लखनपुर के हिसामपुर में। यहाँ प्रियदर्शी अशोक मिशन मौर्य साक सभा दल की तरफ से 1 करोड़ से सम्राट अशोक भवन का निर्माण होने वाला है। आइए हम जानते हैं ये जमीन जिन्होंने डोनेट किया है माननीय राधेश्याम जी से, जो ग्राम लखनपुर के निवासी हैं, उनसे हम जानते हैं ये जमीन देने का क्या मकसद है उनका। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना 2 बिस्सा जमीन समाज के लिए डोनेट किया है। तो सर, ये आपका जमीन डोनेट करने से क्या मकसद है आपका? इससे समाज को क्या संदेश जाएगा? समाज में क्या ये भवन बने का समाज के लिए क्या उपयोगिता इसकी होगी? देखिए, समाज के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं कि पूरे समाज के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि हम लोग बहुत दिन से इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, बौद्ध मिशन को लेकर, और काफ़ी लोग आए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों के पास कोई एक प्रतीक नहीं हुआ कि मतलब हमारे बाप दादा कुछ किए हैं हम लोगों के लिए। तो यही इसी बातों को हमने ध्यान में रखा और सोचा कि हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा बना दें जो आने वाली पीढ़ी समझे कि हमारे बाप दादा भी इसमें कुछ योगदान किए हैं, खाली जिंदा हुए, पैदा हुए, मर गए, ऐसा नहीं, कुछ उन्होंने किया है। यही इन्हीं बातों को विचार रखते हुए हमने ये निर्णय लिया और ये बहुत छोटा सा सहयोग है, इसमें मेरा सहयोग नहीं, पूरे लोगों का, समाज का सहयोग है। हम बात करते हैं प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय संजय कुमार मौर्य जी से। ये जो भवन बन रहा है, इस भवन बनाने का उद्देश्य क्या है और कौन कौन सी संस्थाएं भवन बनाने में मदद कर रही हैं, ये भवन बनने से समाज को क्या लाभ होगा? आइए हम बात करते हैं प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय संजय कुमार मौर्य जी से। हाँ सर, आप प्रियदर्शी अशोक मिशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, ये जो भवन बन रहा है 1 करोड़ की लागत से, तो ये भवन बनाने का उद्देश्य क्या है और समाज में इस भवन का क्या उपयोग होगा? देखिए, प्रियदर्शी अशोक मिशन जो है, ये सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया और उन्हीं के नाम पर प्रियदर्शी अशोक चैरिटेबल रखा गया। तो जो उद्देश्य सम्राट अशोक महान का था, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस भवन का निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से हम लोग सक्षम हों, इसके लिए यहाँ पर हम उस तरह के पुस्तकालय बनाएंगे, उस तरह के हॉस्टल बनाएंगे, उसमें बच्चे रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सर, किस बात के लिए ट्रेनिंग होगा? जो हॉस्टल में बच्चे रहेंगे, क्या उनको पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ हॉस्टल बन जाएगा तो फ्री में बच्चे रह सकते हैं, उनको हम लोग कोचिंग भी दे सकते हैं। अच्छा सर, और उनको मिशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुउद्देशी है, बहुत सारी चीज़ें अभी हम बता नहीं सकते। उसको आप इस तरह से समझें कि जैसे सम्राट अशोक ने बिहार बनवाया था अपने समय में विद्यापीठ, उसको बिहार करते थे, तो वो बिहार किस लिए बना हुआ? वो बिहार था, वहाँ पर मानवता की ट्रेनिंग दी जाती थी और पूरे विश्व में उनको प्रचार के लिए लगा दिया जाता। ठीक, वही समझ लीजिए। अच्छा सर, ये लोकेशन यहाँ का, यहाँ से मार्केट कितना दूर है? ये लोकेशन लोग तो थोड़ा सा गांव में लग रहा है। ये लोकेशन बहुत अच्छा है। तो लोकेशन सर बारे में कुछ बताइए, इसके लोकेशन के बारे में। जैसे ये जनपद से स्टेशन, जो भंडारी स्टेशन है, जौनपुर जंक्शन है, कितनी दूरी सर वहाँ से? कम से कम 3 किलोमीटर पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर और मेन जनपद से लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा लगभग। सर, ये भवन आपका कब तक तैयार हो जाएगा? अब देखिए, आज हम लोग इसकी नींव डाल रहे हैं और ये इसकी शुरुआत हो रही है, पूरा भारत देख रहा है। अभी मैंने इसको फेसबुक पर डाला था, सारे लोगों ने उसको देखा के, और उसको जब देखा गया भवन का नींव पड़ने जा रहा है, तो बड़ा खुश हुए लोगों ने, कहा कि हम लोग जो है पूर्ण रूप से आपका समर्थन करते हैं और पूरा सहयोग भी देंगे। तो समाज सहयोग करेगा इसके लिए? बिल्कुल करेगा, कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5100 का सहयोग खुद यहाँ पर आकर के मनीराम श्री मौर्य जी ने दिया। सर, ये भवन बनाने में कौन कौन संस्था का मेन योगदान है? देखिए, मेन योगदान लोक मंगल दल, प्रियदर्शी अशोक मिशन, शाक मौर्य सभा और पूरा समाज।
खास तौर पर प्रदर्शी अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट तो इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन तमाम संस्थाएं हैं, सहयोगी संस्थाएं हैं जो इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रही हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोक मंगल दल साक मोर सभा और प्रदर्शी अशोक मिशन के ही लोग हैं।